उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मदरसा परिषद के तहत 25 मदरसे अनुदानित हैं, जिनमें जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिलता रहता है। खासकर मैनेजमेंट और मदरसा बोर्ड द्वारा नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के मामले में जिले में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित होने वाले मदरसे भी इससे अछूते नहीं है। यहाँ भी फर्जी शिक्षकों की भरमार है। जिले के कई मदरसों में तैनात शिक्षकों के बारे में जागरूक नागरिकों ने शिकायत कर रखी है कि इनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं से फर्जी हुई है। या तो शिक्षकों ने फर्जी अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी हासिल की है, या मदरसा मैनेजमेंट की कृपा से मदरसा नियमावली के नियमों को दरकिनार करते हुए इन्हें नौकरी दी गई है। लेकिन अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत के कारण ना तो समय से इनकी जांच हो पाती है और ना ही इन पर कार्यवाही हो पाती है। जिले के तुलसीपुर तहसील मुख्यालय के जरवा रोड स्थित एक मदरसे में भी फर्जी अंक पत्रों के सहारे नियुक्ति पाने का मामला प्रकाश में आया है। जनसूचना के जरिए पता चला है कि मदरसा दारुल उलूम अतिकिया में सहायक अध्यापक तहतानिया के पद पर तैनात सिराज अहमद ने अपने आलिम होने का प्रमाण पत्र व अंक पत्र फर्जी तरीके से बनवाया है। उन्होंने जिस मदरसे से आलिम होने का प्रमाण पत्र लगाया है, उस मदरसे में ना तो इनका नाम लिखा मिला, ना ही इनका एग्जामिनेशन फीस जमा मिला। साथ ही मदरसा बोर्ड द्वारा आलम का इम्तिहान देने के लिए इन्हें कोई प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया गया है। कार्यक्रम है कि आज सिराज के मुतालिक कि हमने अपने साथी के माध्यम से जन सूचना के आधार पे हमने जो है रिकॉर्ड मांगा था स्कूल से, तो वो फर्जी पाया गया है सिराज अहमद का मार्कशीट। किस किस चीज की? आलिम की। कहाँ से इन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की है? तो वो मार्कशीट फर्जी है जी। किस आधार पे आप कह सकते हैं? साक्ष्य दे रहा हूँ ना। अच्छा, साक्ष्य के तहत जन सूचना से हमने लिया था, हमारे साथी ने लिया था। अच्छा, इस बाबत आपने कहीं कोई शिकायत की है? हाँ, शिकायत हमने किया है। शिकायत प्रमुख सचिव के पास दो दो बार हमने रजिस्टर किया, डीएम के यहाँ किया, एसपी के यहाँ किया, अल्पसंख्यक के यहाँ किया। तो क्या इन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई की गई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सुनवाई की जाए। अच्छा, तो इनकी जो नियुक्ति है सिराज अहमद की, वो अवैध है? कैसे अवैध है? रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमने रिकॉर्ड साक्ष्य दिया है, उसके मुताबिक अवैध है। कभी कोई जांच करवाई गई इस पे? अभी तो कोई जांच इनके मुताबिक नहीं आया। और कितने साल से पढ़ा रहे होंगे? लगभग 6-7 साल से। 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।